झारखंड में कांग्रेस की करारी हार के बाद झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह और पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा डॉक्टर अजय पर फोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका बहुत सारे रीजन है, लेकिन विधानसभा चुनाव के एक डेढ़ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा करना ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता को समझ में नहीं आया। ये भी एक हार का हम लोग कारण है, इसको झारखंड की जनता पहचान नहीं पाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहचान नहीं। पूरे प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार जो कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार एवं उनकी टीम का इस चुनाव में कहीं भी किसी भी प्रकार की सक्रियता नजर नहीं है। हाँ, ये जरूर रहा जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी या अन्य बड़े नेता झारखंड के दौरे पर आए तो वो मंच पर चमचमाते हुए नजर जरूर आए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ कार्यकर्ता काफी गुस्से में दिखाई दिए। पूर्व महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में हो रहे प्रचार प्रसार में प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल नदारद दिखे। स्टार प्रचारकों का आगमन डॉक्टर अजय कुमार के कारण नहीं हो पाया और इसका असर चुनाव में साफ साफ देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में स्वीकार करते हैं और इसके लिए ईवीएम को बधाई देते। दूसरा, CWC कांग्रेस कार्य समिति ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का इस्तीफा को नामंजूर किया। इसके लिए कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी सहित तमाम सदस्यों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद। विगत लोकसभा चुनाव में झारखंड की परिस्थितियां भिन्न थी। यहाँ परिस्थितियां विपक्ष के अनुकूल थी। जिस तरह रघुवर सरकार के द्वारा किए जा रहे काम से पारा शिक्षक हो, सहायिका हो, आंगनबाड़ी हो, आम जनता हो, महिलाएं हो, किसान हो, भूख से मरे लोग हो, गोली कांड हो, सब था सरकार के खिलाफ और परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और पूरी विपक्ष हम लोग चुनाव हारे। हालांकि हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार झारखंड प्रभारी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब तक कांग्रेस आलाकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान डॉक्टर अजय कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। आकाश कुमार, रांची, बिहार तक।